हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास कमले पाटिल। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ द्वारा एक नई अपडेट आई एग्ज़ाम से रिलेटेड, जिसके बारे में मैं मालूमात दूंगा, लेकिन इस मालूमात को भी मैं दोनों लैंग्वेज में दूंगा, हिंदी और मराठी में। तो पहले मैं मराठी में समझा देता हूँ और बाद में आपको हिंदी में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तर अत्यंत तातडीचे परिपत्रक सर्व संबंधित विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येते की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या उन्हाळी 2020 परीक्षा दिनांक 9/10/2020 पासून सुरू झाल्या आहेत। दिनांक 9/10/2020 व 10/10/2020 रोजीच्या काही अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा लॉग इन करताना काही तांत्रिक अडचणी आल्यामुळे ऑनलाईन पेपर देता आला नाही। अशा सर्व विद्यार्थ्यांकडून कुठल्या कारणास्तव परीक्षा देता आली नाही त्या विद्यार्थ्यांनी सोबत जोडलेल्या नमुन्यामध्ये आपला अभिप्राय त्वरित COEExamFeedback@gmail.com या ईमेल IDवर दिनांक 17/10/2020 पूर्वी पाठवावा, याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी। आणि हे परिपत्रक विद्यापीठाच्या http://bamue.digitalyuniversity.ac.in या संकेतस्थळावर सर्क्युलर नोटीस या सदराखाली प्रसिद्ध करण्यात आले आहे। तर मित्रांनो, ज्या विद्यार्थ्यांना काय झालं, 9/9/10 पेपरच्या रोजी काही अडचणीमुळे ऑनलाईन परीक्षा देण्यात अडचण आली किंवा ते देऊ शकले नाही ऑनलाईन परीक्षा, तर कुठली अडचण होती, काय कारण होतं, कोणत्या कारणामुळे ते ऑनलाईन परीक्षा देऊ शकले नाही, हे त्यांनी या ईमेलवर, कुठल्या ईमेलवर, COEExamFeedback@gmail.com या ईमेल IDवर दिनांक 17/10/2020 रोजी तुम्ही आता कळवायचं आहे त्यांना की का तुम्ही एक्झाम देऊ शकले नाही। इथे एक सोबत काय एक नमुना आपल्याला दिलेला आहे, ते आपल्याला भरायचा, तर कुठे आहे तो हा आहे बा। यात तुम्हाला काय तुमचा PRN नंबर, नेम, सीट नंबर, कोर्स पॅटर्न कुठला आहे, सब्जेक्ट आणि सब्जेक्ट कोड, डेट ऑफ एक्झाम, मोबाईल नंबर, ईमेल IDी आणि सर्वात महत्त्वाचा रिझन फॉर नॉट अपेअरिंग इथ एक्झाम, एक्झाम का देऊ शकले नाही ते इथं द्यायचं आहे। आणि हा जो फॉर्म आहे दोन्ही लँग्वेजमध्ये आहे, इंग्लिश आणि मराठी, तर याला मी मिनिमाइज करतो, हे पा। अशा प्रकारचे हा फॉर्म असणार, इंग्लिश आणि मराठी दोन्ही भाषेत आहे। तर आपल्याला हे भरून वरील दिलेल्या ईमेल IDवर आपल्याला ते पाठवायचे आहे, ते COEExamFeedback@gmail.com। ठीक आहे, कधी पाठवायचे आहे तर 17 तारखेचा अगोदर तुम्हाला हे पाठवायचं आहे। कोणी पाठवायचं आहे तर ज्यांना 9/10/2020 एक्झाम लॉग इन करताना काही अडचणी आली आणि ते ऑनलाईन पेपर देऊ शकले नाही। हे कुठून भेटणार तुम्हाला, तर बामूची जी वेबसाईट आहे युनिव्हर्सिटीची, http://bamue.digitalyuniversity.ac.in या वेबसाईटवर सर्क्युलर अँड नोटीस या सेक्शनमध्ये तुम्हाला हे भेटून जाणार। आणि मी तुम्हाला हे डिस्क्रिप्शनमध्ये पण लिंक टाकून देतो याची, तर तुम्ही डिस्क्रिप्शनमधून डाउनलोड करू शकता, तुम्हाला तिकडं साईटला जायची गरज पडणार नाही, डिस्क्रिप्शनमधून तुम्ही हे डाउनलोड करू शकता। ठीक आहे, पुन्हा एकदा ऐकून घ्या, तुम्हाला काय करायचं आहे, हा फॉर्म भरायचा आहे। ठीक आहे, याला मी पुन्हा मिनिमाइज करतो, हा सेम नोटीसचा खाली देण्यात आलेला आहे हा फॉर्म, आणि याची ची लिंक आहे मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊन देणार। ठीक आहे, तर हे तुम्हाला भरून पाठवायचं आहे या ईमेल IDवर। ठीक आहे, तर आता मी हीच माहिती हिंदीमध्ये देणार। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में दिक्कत हुई थी, लॉगिन करने में दिक्कत हुई 9/10 के पेपर में। तो उसके लिए क्या हो, बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ द्वारा एक परिपत्रक निकाला गया है, उसमें बताया गया है कि जिन बच्चों को 9/10 के पेपर के दिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, जो ठीक है लॉगिन नहीं कर पाए, एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो ऐसे बच्चों ने क्या करना है, एक ईमेल IDी दिया है उन्होंने COEExamFeedback@gmail.com। इस ईमेल IDी पे आपको क्या करना है, ये आपके इसमें एक फॉर्म दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एक फॉर्म दिया हुआ है,
ये फॉर्म भर के आपको इस मेल आईडी पे सेंड करना है, ठीक है। और कब तक सेंड करना है, तो 17 तारीख के पहले आपको ये सेंड करना है। और आपको ये जो सर्कुलर है, एक बामू के जो ऑफिशियल वेबसाइट है बामू डिजिटल यूनिवर्सिटी .ac.in, इस पे सर्कुलर और नोटिस सेक्शन में मिल जाएगा। और मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आपको साइट पे जाने की ज़रूरत नहीं, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। और फिर से एक बार बता रहा हूँ, इसको मैं मिनिमाइज करके दिखा देता हूँ। तो इस तरीके का फॉर्म रहेगा, इसमें इंग्लिश और मराठी दोनों इसमें दिया हुआ है। तो आपको ये भरना है, इसमें आपको आपका स्टूडेंट का नेम, PRN नंबर, सीट नंबर, कोर्स नेम, पैटर्न कौन सा है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का कोड, डेट ऑफ एग्ज़ाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और सबसे इम्पोर्टेंट, रीज़न फॉर नॉट अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम आपने क्यों नहीं दी, या आपको एग्ज़ाम क्यों नहीं देना है। तो ये आपको अच्छे से भरना है। और इस ईमेल आईडी पे, कौन सी ईमेल आईडी पे, COEexamfeedback@gmail.com, इस ईमेल आईडी पे आपको सेंड करना है, ठीक है। तो होप आपको जो मालूमात दी गई जानकारी समझ में आई होंगी। और अगर आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम दे नहीं पाए 9 और 10 तारीख को, तो ये प्रोसीजर फॉलो करो, तो होपफुली आपको हेल्प होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।